29 अगस्त गुरुवार को नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई स्थित परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक ए के वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती तथा मेजर ध्यानचंद के तैयार चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्प अर्पण के साथ हुआ। समन्वयक ए के वर्मा ने अपने स्वागत संबोधन द्वारा उपस्थित लोगों का स्वागत अभिनंदन किया। हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की जयंती के शुभ अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विशेष वेशभूषा के द्वारा भारत के अन्य प्रसिद्ध एथलीटों की भूमिका बनाकर उनका प्रतिदर्श प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को मनोरंजन बनाने हेतु खेलकूद प्रतियोगिता तथा एरोबिक्स डांस भी प्रस्तुत किया। खेल के शिक्षक नीलेश यादव ने इस अवसर पर खेलकूद के महत्व तथा जीवन में इसकी उपयोगिता को बताते हुए अपने विचार रखे। खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी होने वाले प्रतियोगियों को स्कूल प्रबंधन ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का समापन जूनियर विभाग अध्यक्ष समन्वयक असीम घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षिका शैफाली ने किया तथा अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर खेल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, विभिन्न प्रकार के आउटडोर इंडोर गेम का आयोजन किया और साथ में हमारे गेम के टीचर प्रधानाचार्य जी ये सभी लोगों को संबोधित किया और समझाया कि गेम क्या होता है और शारीरिक व्यवस्था को ठीक ठाक रखने के लिए व्यायाम और खेल ये दोनों जरूरी है, जिससे कि हमारे बुद्धि का भी विकास होता है और शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इस पर ये प्रकाश डाले और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में इनको बताया गया। मेजर ध्यानचंद जी जब 1928 में ओलंपिक में विजय प्राप्त किए और स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, इसके बारे में भी इनको बताया गया।